एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले, मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी, तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी, लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपा लप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई, तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम
सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए, उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है, हर जगह बहुत खुजली हो रही है, मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो, मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। सोना देने वाली प्रेस। सुरभि के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण सुरभि के चाचा चाची को उसे पालना पड़ा। सुरभि की चाची सुरभि को अपने ऊपर बोझ मानती थी। एक तो हमारे घर भी लड़की हुई, ऊपर से तुम्हारे भाई अपनी लड़की हमारे ऊपर छोड़कर चले गए। तुम्हारा काम धंधा तो वैसे भी ठीक नहीं चलता, अब हम दो दो लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? समय आने पर सभी लड़कियों की शादी हो जाती। कल मैं सुरभि और दीपिका दोनों के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा। सुरभि के लिए कोई गरीब घर का लड़का ढूंढना और हमारी बेटी दीपिका के लिए कोई अमीर घर का अच्छा लड़का, समझ गए? दीपिका पूरे दिन पड़ी पड़ी सोती रहती, सोकर उठती तो खाती और रोजाना नई नई डिमांड करती। माँ, मुझे अपने लिए लिपस्टिक, पाउडर, चप्पलें और भी ढेर सारा सामान लाना है, 5,000 रुपए दो ना। दूसरी तरफ सुरभि घर का सारा काम करती और कोई भी डिमांड नहीं करती। चाची जी, कपड़े प्रेस हो गए और खाना भी बन गया है, खा लीजिए। दीपिका, तुम भी खाना खा लो। मैं अभी बाहर से आई हूँ, मेरे पैर गंदे हो गए हैं, पानी लाकर मेरे पैर धो दे। मैं अभी तुम्हारे पैर नहीं धो सकती क्योंकि मैं खाना परोसने जा रही हूँ। क्या क्या कहा, तू मेरे पैर नहीं धो सकती? अभी लाते मार मार कर तेरा मुंह सुजा दूंगी। तभी सुरभि के चाचा वहाँ आ जाते हैं। दीपिका, अपनी बहन से इस तरह बात करते हैं क्या? तुमने यही तमीज सीखी है? आप क्यों उसे डांट रहे हैं? उसने क्या असलियत में लात मार दी? सुरभि, जा चाचा के लिए पानी लेकर आ और उसके बाद अलमारी में रखे पुराने कपड़े भी प्रेस कर देना। सुरभि चली जाती है तो चाची चाचा से कहती है, कोई लड़का मिला या नहीं? हाँ, 2 लड़के मिले हैं, एक अमीर घर का है और दूसरा बहुत गरीब। चाची और चाचा अपनी बेटी दीपिका की शादी अमीर घर के लड़के से कर देते हैं और सुरभि की शादी गरीब लड़के से हो जाती है। सुरभि का पति दिहाड़ी मजदूर था। जिस दिन उसे काम नहीं मिलता उस दिन उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता। लगता है मुझे भी काम करना चाहिए, अगर हम दोनों काम करेंगे तो शायद हमारे घर का खर्चा आसानी से चल जाए। लेकिन तुम क्या काम करोगी? मैं कपड़े प्रेस करूंगी, चाची भी मुझसे कपड़े प्रेस करवाती थी। सुरभि ने कबाड़ी वाले से एक पुरानी प्रेस खरीदी और कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। वह गांव के बड़े घरों से कपड़े लाती, उन्हें प्रेस करती और वापस घर पहुंचा कर आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत सुरभि के गांव से गुजर रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी अम्मा के सारे कपड़े भीग गए। अरे राम रे, सारे कपड़े भीग गए, मुझे तो अभी बहुत लंबा सफर तय करना है,
गीले कपड़े पहने रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा ने सुरभि के गेट पर कपड़े प्रेस कराने का बोर्ड लगा देखा। वह घर के अंदर गई। बेटी, मेरे कपड़े भीग गए हैं और मुझे जरा जल्दी निकलना है। क्या तुम मेरे कपड़े सुखा दोगी? हाँ अम्मा, आप कुछ देर के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए और अपनी साड़ी मुझे उतार कर दे दीजिए, मैं अभी सुखा देती हूँ। सुरभि कुछ ही मिनट में प्रेस से बूढ़ी औरत की साड़ी सुखा देती है। बेटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप तो मेरी माँ समान हैं। बूढ़ी औरत सुरभि को अपना आशीर्वाद और दुआएं देकर चली जाती है। अगले दिन सुरभि ने कपड़ों पर प्रेस रखी तो कपड़ा सोने का बन गया। अरे ये क्या हो गया, ये कपड़ा तो सोने का बन गया। सुरभि ने फिर दूसरे कपड़ों पर भी प्रेस रख कर देखी। जिस भी कपड़े पर प्रेस रखी जाती, कपड़ा सोने का बन जाता। अजी सुनिए, देखिए ये क्या हो रहा है। लगता है कल जो बूढ़ी अम्मा हमारे घर आई थी, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। सुरभि और सुरभि का पति सोना देने वाली प्रेस से जल्द ही अमीर हो जाते हैं। उधर सुरभि के चाचा का बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका घर नीलाम होने वाला था। चाचा जब अपनी सगी बेटी दीपिका के घर से मदद मांगने जाते हैं तो दीपिका के पति ने मदद करने से इनकार कर दिया। सुरभि को जब ये बात पता लगी कि चाचा का घर नीलाम होने वाला है तो उसने वह घर खरीद लिया और चाचा चाची के पास जाकर बोली, चाचा आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये लीजिए आपके घर की चाबी। दीपिका और उसके पति ने हमारी कोई मदद नहीं की और सुरभि तुमने हमें हमारा घर वापस दिलाया। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुमने अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ा। हमें माफ कर देना बेटा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है चाची, मैंने आप दोनों को ही अपना माता पिता माना, इसलिए मुसीबत के समय मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा। चाची सुरभि को अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी और इस तरह वे लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे।